प्रवीण कुमार आप लोग को मैथमस्ती में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए हम मैट्रिक्स के 3.1 का 7th क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं और इस प्रकार आप लोग को ये जो 3.1 है उसको हम आज समाप्त कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और अगला दिन हम आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, जो भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7th नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा दोस्तों। समीकरण इतना दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बराबर में इतना है, ठीक है दोस्तों। और कहता है कि से इतना से ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये वाला आप लोग को ये बराबर ये हो गया, तो ए माइनस बी इक्वल टू हो गया माइनस वन, ठीक है दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसके बराबर में ये है 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इक्वेशन हो गया सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बराबर में ये वाला है, तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इसके बराबर में ये है, तो 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इक्वेशन फोर, ठीक है। अब यहाँ पर ही बात करते हैं हम लोग को ए बी सी और डी का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग कि हम लोग जब भी कोई इक्वेशन लेते हैं तो दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों का मतलब ए और बी हो फर्स्ट में तो नेक्स्ट में यानी कि सेकेंड में भी ए और बी होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड, अब बात करते हैं फर्स्ट लिए तो सेकेंड ले, थर्ड ले या फोर्थ ले, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ ए और बी है, तो इसमें ए और सी है, तो ये नहीं लेंगे, ए और बी वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड हो गया ना, देखिए थर्ड हो गया। तो देखिए ए माइनस बी इक्वल टू हो गया माइनस वन, और थर्ड हो गया आप लोग को 2a माइनस बी इक्वल टू 0, थर्ड हो गया, देख लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर ही कि देखिए हम जब भी कोई के घटाते हैं तो उसमें असमान चिन्ह होना चाहिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ही बात करते हैं कि यहाँ समान चिन्ह है तो यहाँ तक जुट जाएगा, इसलिए असमान चिन्ह के लिए हम लोग को चिन्ह को चेंज करेंगे। ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, और इसको छोड़ दीजिए, जीरो है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये वाला कट गया, अब यहाँ पर माइनस दो गो ए में से एक गो यानी एक ए जुटेगा तो यहाँ माइनस ए हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। अब ई से ही कट गया यानी कि ए का मान हो गया वन, ए का मान निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म इक्वेशन, साइड में बना देते हैं, देखिए फॉर्म इक्वेशन इक्वेशन, अब चलते हैं देखिए ए का मान किस में रखेंगे ताकि हमको नेक्स्ट मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसी में इसमें रखिए या इसमें, तो हमको ए से बी निकल जाएगा, अगर इसमें रखते हैं तो ए से सी निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन है। अब यहाँ पर बात करते हैं ए का मान कितना है वन, माइनस बी इक्वल टू माइनस वन। अब इधर प्लस में है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस वन पहले से था फिर ये वाला माइनस हो जाएगा, नहीं आ गया था माइनस बी बराबर, इसको दोनों समान चिन्ह जुटेगा माइनस टू हो गया। अब इससे कट गया तो बी के मान टू आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर फॉर्म इक्वेशन, अब ए के मान इसमें रखेंगे हम लोग, नहीं इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे तो सी के मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हम लोग को सेकेंड लेना, सेकेंड, तो सेकेंड में दिया हुआ है 2a प्लस सी इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पर a का मान रखते हैं तो 2 इंटू ए का मान 1 हो गया, अब प्लस सी इक्वल टू 5, अब इससे गुना करेंगे तो 2 प्लस सी इक्वल टू 5, यानी प्लस में उन्हें ले जाइए तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3, सी के मान भी निकल गया। अब निकालना है डी का मान, तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए समीकरण चार में यानी कि चौथा में हम लोग सी के मान रख देंगे
तो डी के मान निकल जाएगा। देखिए फॉर्म इक्वेशन फोर्थ, ठीक है, फॉर्म इक्वेशन फोर्थ से चलते हैं। तो क्या है, 3c + d इसकल टू 13। अब यहाँ पर ही बात करेंगे, c का मान हो गया 3 × c के मान 3 और प्लस डी इसकल टू हो गया 13। अब देखिए यहाँ पर ही 3 × 9 प्लस डी बराबर हो गया 13। अब इधर प्लस में है तो उधर जाएगा था माइनस में हो जाएगा 13 - 9, तो डी बराबर 13 में से 9 गया था 4। ये वाला आपको आंसर हो गया, ए का मान, फिर बी का मान, सी का मान और डी का मान। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो दोस्तों देखिए आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। देखिए दोस्तों इसमें जो है आप लोग को a बराबर aij है, यहाँ दिया हुआ m इंटू n एक वर्ग आव्यूह है। तो दोस्तों पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका मतलब जानना है, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह का मतलब होता है जितना रॉ उतना ही कॉलम, ठीक है दोस्तों, जितना रॉ उतना ही कॉलम, मतलब रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या। अगर मान लीजिए कि रॉ की संख्या हो गया 2 तो कॉलम की संख्या भी 2 होना चाहिए। अगर दोनों की संख्या अगर बराबर हो तभी जाकर के होता है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। देखिए आर गुने सी यानी कि आर हो गया 2 और सी हो गया 2 इक्वल टू 2 के स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हम सब स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आर हो गया 3 तो कॉलम भी होना चाहिए 3, यानी कि रॉ 3 गो तो कॉलम भी 3 गो। आर गुने सी इक्वल टू हो गया, देखिए 3 × 3 तो बराबर 3 के स्क्वायर। इस प्रकार से रॉ अगर 4 गो तो कॉलम भी होना चाहिए 4 गो, ठीक है दोस्तों। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, इसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर टिक लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ एम आ एन है, तो ई आर हो गया से एम हो गया, आई एन हो गया से सी हो गया। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि रॉ यानी कि रॉ 3 गो तो एम भी 3 गो, कॉलम 3 गो तो ई एन भी 3 गो, यानी कि दोनों क्या है दोस्तों, यानी कि 3 बराबर 3 यानी कि एम बराबर हो गया एन, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर ही रॉ और कॉलम बराबर, यानी एम और एन बराबर, ठीक है दोस्तों। देखिए ये वाला आंसर हो गया, ठीक है, न रॉ कम होना चाहिए न कॉलम, एकदम दोनों बराबर होना चाहिए, तो इसलिए एम बराबर एन हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन जो है, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ही बताते हैं इसके नेक्स्ट, यानी कि पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव दोनों हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ही कहता है 3 × 3 कोटि के, यानी कि ऑर्डर के, ठीक है दोस्तों, ऑर्डर के 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितने संख्या होंगे, और क्वेश्चन है लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, इतना ही से निकाल लेते हैं पहले। तो 3 × 3 यानी कि रॉ भी 3 गो और कॉलम भी 3 गो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स के निर्माण करने के लिए दो ही चीज होता है, रॉ और कॉलम, ठीक है दोस्तों, रॉ और कॉलम। तो क्या हो गया, रॉ और कॉलम क्या हो गया, यहाँ ये नहीं गिनिएगा दोस्तों, हम कहते हैं रॉ ए गो कॉलम ए गो, 2 गो हो गया, क्या हो गया 2 गो, और इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 गो, तो उसके पावर में बैठा दीजिए, ठीक है दोस्तों। यानी देखिए रॉ और कॉलम एक आ एक 2 हो गया, रॉ ए गो कॉलम ए गो 2 गो तो 2, और यहाँ पर जो भी अंक होगा उसको गुना करके पावर में बैठा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको कायदा 9 दा लिखेंगे 2 को, 3 4 5 6 7 8 9, अब इसको गुना कीजिएगा तो 512 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप चुन लीजिए जो भी हो, डी आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया, 512, यानी डी ऑप्शन। आप लोग को ध्यान दीजिएगा इतना कि आप लोग को यही क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बनता है, और आप लोग इस पर फोकस कीजिएगा, अगर हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव यानी कि लाएंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव 10 20 50 क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये सब क्वेश्चन निश्चित रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग इस पर फोकस कीजिए, इसीलिए दोनों को एक साथ बता दिया।